आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से HCF ज्ञात करना सीखेंगे। बताइए कि चॉकलेट P व चॉकलेट Q, जिनकी संख्या क्रमशः 1215 और 891 है, एक बॉक्स में अधिकतम कितनी चॉकलेट रखी जा सकती हैं और उन्हें रखने के लिए कितने न्यूनतम बॉक्स की आवश्यकता होगी? इसका हल आप जांच और भूल विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इसे एक क्रमबद्ध रूप से हल करेंगे, जिसके लिए हम दोनों तरह की चॉकलेट्स की संख्या का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर b गुणा q जमा r का प्रयोग करेंगे। आइए मिलकर हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ 1215 बड़ा है 891 से। अब हम इन पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, जिससे हमें ये मान प्राप्त होता है। क्योंकि शेष फल यानी कि रिमेंडर शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए हम भाजक यानी कि डिवाइजर 891 और शेष फल 324 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। जिससे हमें ये मान प्राप्त होगा। यहाँ भी शेष फल शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए हम पुनः प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमें शेष फल शून्य प्राप्त हो जाता है, इसलिए प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। और इस स्थिति में भाजक 81 प्राप्त होता है, जो कि 1215 और 891 का HCF है। इसलिए चॉकलेट P व चॉकलेट Q से बॉक्स में अधिकतम 81 चॉकलेट रखी जा सकती हैं। चूंकि हमें तो न्यूनतम बॉक्स की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या आप बता सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा? शाबाश, यदि चॉकलेट P और Q की संख्याओं में अधिकतम एक बॉक्स में आने वाली चॉकलेट की संख्याओं यानी कि 81 का भाग देने पर जो भागफल हमें प्राप्त होता है उनके योग की संख्या यानी कि 26 ही न्यूनतम बॉक्स की संख्याएं होंगी। अतः चॉकलेट रखने के लिए हमें न्यूनतम 26 बॉक्स की आवश्यकता होगी। आइए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बीच के अंतर को समझें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक सिद्ध हुआ कथन होता है, जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है, जबकि एल्गोरिदम अच्छी तरह से परिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, जो दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं a व b के HCF को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, जहां हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के कथन a बराबर b गुणा q जमा r को लागू करते हैं। इस वीडियो में आज हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित उदाहरण देखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं।